हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी भी हूँ। और आज का ब्लॉग का शुरुआत कुछ यूं ही कर रही हूँ। मतलब कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। नहीं आने का कारण था, जैसे कि आप लोगों से हम शेयर किए थे कि मेरा एग्ज़ाम है, जिस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और ब्लॉग शूट करने में ना कुछ ज़्यादा समय लग रहा था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर रही थी। और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ब्लॉग शूट करे ना करे, मतलब मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हमको लग रहा था ना कि हमको जितना टाइम यूट्यूब को दे उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरा एग्ज़ाम है, और हमको एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है किसी भी हाल में। आप लोग जानते हैं ना कि पेपर वन का एग्ज़ाम उतना ना टफ नहीं जाता है, बहुत इजी रहता है, लेकिन फिर भी उसके लिए पढ़ना होगा यार। बिना पढ़े हुए कोई कैसे एग्ज़ाम निकाल सकता है? उसके लिए हम बता नहीं सकते हैं कितना मेहनत किए थे। और मेरे ही साथ ऐसा होना था क्या, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैं पूरी तैयारी कर ली हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आप लोग मतलब यकीन नहीं करोगे, एक हाउसवाइफ, एक मेरिड लड़की के लिए ना, वो भी बच्चे वाले ये लोग के लिए इतना पॉसिबल हो जाता है कोई भी काम, मतलब बिल्कुल भी करने का मन नहीं करेगा। मतलब मैं क्या ही बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रही हूँ कि एक हाउसवाइफ के लिए हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। मेरी लड़की को बच्चे कहाँ रखना है, अब हम जाएंगे घर में कौन रहेगा, किसके साथ जाना है, क्या लेके जाना है, तो इतना सारा प्रॉब्लम को एडजस्ट करके, हिम्मत करके, ऊपर से पढ़ाई भी करके, सारा चीज़ मैनेज करके, और हम लोग निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पता है। आपको जब ये पता चलता है ना कि आपका एग्ज़ाम आज नहीं है, तो इतना ख़राब लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये चीज़ कम से कम डालना चाहिए। ये मेरा मतलब लाइफ का फर्स्ट डे था जो इस तरह हुआ। मैं कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं दी हूँ इस तरह से, मतलब इतना ख़राब लगा है। आज मुझे फर्स्ट बार इतना ख़राब एहसास हो रहा है, मतलब कठोर बन के भी खड़े हैं ना, फिर भी आँख में आंसू आ रहा है। और कुछ भी, अभी समय हो रहा है 2, और हम बात बताते हैं 11 बजे के समय, जब हम सारा चीज़ कर लिए थे। आप लोगों को बता दें कि बाबू लोग को ना नानी घर में रखने वाले थे, बाबू लोग नानी घर चल जाएगा और हम लोग निकलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए शाम को। तो आपको हम दिखाएंगे लास्ट में कि बउआ लोग का भी पैकिंग हो गया है और मेरा भी सारा चीज़ पैकिंग हो गया है। कल जब हम मार्केट गए थे ना एडमिट कार्ड निकालने, तो वहाँ से भी निकाल के लाए तो फिर हम एडमिट कार्ड देखे ही नहीं है। और थोड़ा सा भी यदि हम देख लेते तो शायद मेरे साथ ये आज ना होता। इस तरह से तैयारी करके, फॉर्म भर के, सारा चीज़ करके भी हम एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। और ये शेयर करने का मतलब ये था ना कि मेरे साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, और हम आप लोगों के साथ सब चीज़ बताए हैं कि ये किए हैं, हम इतना मेहनत किए हैं, और कुछ कुछ दिखाए भी है पॉइंट कि हम किस तरह से अपना मतलब मेहनत किए हैं। इसीलिए हम सोचे डालना ही बेहतर रहेगा। जो गलती ना, बहुत बड़ा गलती किए हम, शायद ही कोई मतलब मेरे जैसा गलती करता है। मतलब आप पता नहीं मेरा कहाँ था, मैं खुद को पागल कर रही हूँ, मैं मार रही हूँ, पीट रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं मतलब इतना मेहनत मेरा फालतू हो गया, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को बता दें कि सारा पैकिंग वगैरह सारा चीज़ हो गया है, और मैं
इस चीज का रिस्पेक्ट अपने आप से अब कभी भी नहीं की थी। बहुत खराब लगता है जब इस तरह से होता है ना। मेरा एग्जाम ना 24 को था, पता नहीं हम बोले भी है कि नहीं, मेरा एग्जाम 24 को था और मैं सबको ना 26 ही बताई, आँख से दिखा है या फिर गलती से बोला है या फिर कब से मेरा माइंड में, जब हम चार्ट निकालते हैं ना जैसे अपने लोग से शेयर किए हैं इस डेट को मेरा एग्जाम है तो देख रहे हैं 24 ही लिखा हुआ है, सारी तो बोल रही है, जब हम अपने लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं तो सभी लोग यही बोल रही है एग्जाम कैसा क्या तेरा, तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरा एग्जाम तो 26 को है। जब वो बोली ना 26 को नहीं तुम तो 24 लिख के भेजी है, गलती से लिख दी थी क्या, जब हम फिर हम बोले नहीं हम एक बार देख लेते हैं, जैसे ही हम देखने गए ना मेरा धरती के पास से मतलब जमीन ही घसक गया, इतना खराब हमको लगने लगा। कूलर के सामने बैठे थे बट पसीना इतना आ रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, पूरा खराब लगा। बहुत तैयारी था मेरा और 100% था कि हम निकाल लेंगे, लेकिन नसीब बहुत चीजों में नसीब ही आपका बता सकता है क्या सही है क्या गलत है। और सोना बाबू का एग्जाम खत्म हो गया आज और उसका आज ये रहा वो वालों का कपड़ा जब पहन के जाता, और ये रहा पैकिंग बोवा का, हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ये पैकिंग है जैसे देख सकते हैं सारा चीज़ कपड़े वगैरह हम रख दिए हैं, दिख रहा है शायद सारे चीज़ कपड़े वगैरह मोजा जूता जो भी है अपना चप्पल सारा चीज़ भर दिए थे एक झोला में छोटा सा, बच्चे का कपड़ा तो ज़्यादा हो ही जाता है और कुछ कपड़ा भी निकाले हैं जो उधर है वो सब भी डाल के दे देंगे। तो बौवा का तो तैयारी पूरा हो ही गया था और हम अपना दिखाते हैं, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड जो मैं कल ही निकाल के लाई हूँ, देख कैमरा से दिखाती हूँ। और ना हम कल बोल रहे थे कि अच्छा से निकालिएगा एक भी पेपर छूटे नहीं, ये 24/5/2024 ये डेट 26 हमको कैसे दिख गया हमको पता ही नहीं चला। ये सब सॉरी इधर भी दिखा देते हैं कि ये फोटो और ये आधार कार्ड सारा चीज़ दो फोटो अपना बैंगल्स अपना पर्स सारा चीज़ निकाल लिए थे, पर्स में सारा सामान भी भर दिए थे आप लोगों को दिखा देते हैं, पैसा वगैरह सारा चीज़ हम भर लिए थे ताकि हमको ना मतलब सही बोले। और ये रहा कपड़ा जो कि ब्लैक पहन के आना मना था तो हम सोच रहे हैं वाइट और ये वाला कुर्ती पहन के चल जाते तो ठीक रहता। तो आपको जब पता चलता है ना आपका एग्ज़ाम नहीं रहता है, और ऐसा नहीं है कैंसिल हो जाने के बाद हम दोबारा भी दे सकते हैं, तो ना बहुत ख़राब लगता है सच बताते हैं। हम 2 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं और ये खबर हमको 11 बजे मिला है, हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी सारा काम वगैरह करके और फिर बाबू लोग को भी भेज देंगे और रात को हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन का बुकिंग भी कर लिए हैं 25 तारीख को, जैसे कल मेरा एग्ज़ाम था तो कल एग्ज़ाम था ना तो आज ही बुकिंग किए थे, 25 को जाएंगे और कल सुबह वहाँ उतरेंगे जो भी होगा अपना करके और हम लोग निकल जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में। मेरा 2nd शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो इतना खुशी था हमको भीतर से, इतना ज़्यादा खुशी था कि हम आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, मेरा सारा खुशी चल गया, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या नहीं किया, किसी से बात ना करना किसी को ज़्यादा समय नहीं देना जैसे तैसे सब चीज़ करना, और पता चलता है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मेरा एक ही पल में ख़त्म, उसका ना रिजल्ट आएगा ना कुछ भी, तैयारी करके भी मैं नहीं जा सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, ये सब चीज़
पता नहीं मेरे साथ क्यों हो गया। 24 देख के सबको चैट करके फ़ोन भी करके बताई हूँ और मेरा दिमाग में 26 कब से घुस गया मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं अभी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे साथ क्या हुआ है। तो एस्टेट है एग्ज़ाम का या पेपर 2 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।